उदाहरण सात, बहुपदों 3x धन 4 ऋण 5 x की घात 2 5 धन 9x तथा 4x ऋण 17 ऋण 5 x की घात 2 का योगफल ज्ञात कीजिए एवं योगफल से प्राप्त बहुपद की घात बताइए। बहुपद 3x धन 4 ऋण 5 x का घात 2, बहुपद 5 धन 9x तथा बहुपद 4x ऋण 17 ऋण 5 x का घात 2 को सबसे पहले हम बहुपद के चरांकों को घटते क्रम में लिखेंगे। आइए देखें, हम ऋण 5 x का घात 2 धन 3x धन 4 या पहला बहुपद जो कि हम इसे घटते क्रम में लिखे हैं, घातों के घटते क्रम में, फिर धन 9x धन 5 यह हमारा दूसरा बहुपद और तीसरा बहुपद ऋण 5 x का घात 2 धन 4x ऋण 17। इन तीनों बहुपदों को हमें जोड़ना है। तो यहाँ सबसे पहले हम गुणांक ऋण 5 को हम कोष्टक में लिखेंगे और इनके चरांक x का घात 2 को उभयनिष्ठ लेंगे। धन, अब x का गुणांक हमारे पास है 3 धन 9 धन 4 जो कि ये कोष्टक में रहेगा और इनका उभयनिष्ठ चरांक x कोष्टक के बाहर। अब अंत में हमारे स्थिरांक 4 धन 5 ऋण 17 को हम एक कोष्टक के अंदर लिखेंगे। इसके बाद हम ऋण 5 बराबर ऋण 10 x का घात 2 धन 9 3 12 12 4 16 x धन 4 धन 5 9 9 ऋण 17 बराबर ऋण 8 जो कोष्टक के अंदर लिखेंगे बराबर ऋण 10 x का घात 2 धन 16 x धन गुणित ऋण ऋण 8। इस तरह से हमने बहुपदों को का योग देखा। यहाँ बहुपद के योग में ऋण 10 x के घात 2 धन 16 x ऋण 8 का चरांक x की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः इस बहुपद का घात 2 होगा।